हेलो गाइस, आज हम बोले हैं एन प्लस एल रूल के बारे में। और इस पिक में आप देख सकते हो 3s2, जहाँ पे तीन मुख्य कोश है, s उपकोश है और दो इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है। अब अनदर एग्जांपल पे आते हैं, जिसमें 3px1 है। तो यहाँ पे 3 मुख्य कोश या कक्ष निर्धारित करेगा, p यहाँ पे शो कर रहा है उपकोश को और x कक्षक को और एक इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो कक्षक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कक्षों में, उपकोष में। अब जैसे पी में 3 कक्षक होते हैं, px, py, pz, जबकि डी में 5 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx2, y2 और dz2। तो इस तरह से टोटल 5 कक्षक, जबकि पी में 3 कक्षक। तो इस तरह से हम 3 को मुख्य कोश या कक्ष, ठीक है, पी सबसेल यानी कि उपकोश, एक्स यानी कि कक्षक, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, उसे कक्षक कहते हैं। ठीक है, एक हमने इलेक्ट्रॉन से डिसाइड किया हुआ है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन भरोगे परमाणुओं में, जिससे एक टोटली अणु बनेगा। तो एन प्लस एल रूल में आपको ये बेस आना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एन प्लस एल रूल उपकोषों को भरने का क्रम। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे हम, अगर एन प्लस एन का मान कम है, वो उपकोष हम पहले भरेंगे रेदर देन जिसमें ज़्यादा है। ओके, सेकंड कंडीशन में अगर बाई चांस दो उपकोश या उससे अधिक उपकोश जिनमें एन प्लस एन का मान सेम आ जाता है, तो वो उपकोश भरेंगे जिसमें एन का मान कम होगा। ओके, तो ये दो कंडीशन हैं। अब एल, जिसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं, जो कि सोमरफेल्ड ने दी थी। जैसे फर्स्ट टेस्ट में फर्स्ट एन है, टू एन यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, फोर एस में मुख्य क्वांटम संख्या 4 है, अल्फाबेटिकल मुख्य क्वांटम संख्या जो कि कोश या कक्षा डिसाइड करती है। ओके, अब एल का मान एस के लिए 0, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है और एस यहाँ पे भी 0 है। अब पी है 4p, यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या 4 है, पी 1 यानी कि टोटल एन प्लस एन 5 हो जाएगा। तो पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। 3d है यहाँ पे, एन का मान 3 और द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एल का मान यहाँ पे 2, इसलिए टोटली 5 आ जाएंगे। ओके, तो ये एल के मान आपको पता होने चाहिए। अब हम पहली कंडीशन में जाते हैं, उपकोश वो पहले भरा जाएगा जिसमें एन प्लस एन का मान कम होगा। तो यहाँ पे उपकोश हैं फर्स्ट टेस्ट, 2s 3s 3p। तो फर्स्ट टेस्ट में एन का मान 1, एल का मान 0, तो टोटली ऐड करने पे 1। एज इट इज़ 2s में 2, एन का मान, एल का मान 0, 2, 3s में 3, 3p में यहाँ पे एल का मान 1, तो टोटली 4 हो जाएगा। तो कम से ज़्यादा की ओर बढ़ने पे 1 2 3 4, तो बढ़ने का क्रम होगा 1s 2s 3s 3p। ओके, तो वो उपकोश पहले भरा जाएगा जिसमें एन प्लस एन का मान कम होगा। तो 4 सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे बाद में, 1 सबसे कम है तो वो सबसे पहले। अब सेकंड वन कंडीशन है कि अगर एन प्लस एन का मान किसी उपकोश में, दो उपकोशों में सेम हो जाए, तो वो उपकोश पहले भरा जाएगा जिसमें एन का मान कम होगा। जैसे 3s 3p 4s, 3s में 3, 3p में एन का मान 3, p का, एल के लिए 1 और 4s में 4 और 0, मतलब प्लस एन का मान सेम आ रहा है। तो इन दोनों उपकोशों में कन्फ्यूज़न होगा कि किस में हम इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे। तो हमारा रूल बोलता है एन का मान कम होगा, वो उपकोश पहले भरे जाएंगे। तो यहाँ पे एन का मान किसके लिए कम है, 3p के लिए। तो
हम 3p 4s से पहले भरेंगे, यानी कि भरने का क्रम होगा 3s 3p 4s। तो यह n प्लस एल रूल है। ओके, तो वो कुछ पहले भरा जाएगा जिसमें n प्लस एल का मान कम होगा। l यानी कि द्विगंसी क्वांटम संख्या, यहाँ पे देख सकते हो चारों के लिए। और अगर सेम होता है तो जिसमें n का मान कम होगा वो कुछ पहले भरा जाएगा। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, दोनों में n प्लस एल का एड 4 आ रहा है, लेकिन 3p में n का मान 3 है जो कि कम है, इसलिए 3p 4s से पहले भरा जाएगा। ओके, तो आप वापस से देख सकते हो, यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल आता है उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जो कि मुख्य कोष डिसाइड करती है। पी जो कि उपकोष डिसाइड करती है, यानी कि जिसे हम द्विगुणसी क्वांटम संख्या से इंडिकेट कर सकते हैं। एल जो कि सोमरफील्ड ने दी थी, पी के लिए इसका मान 1, डी के लिए 2, एफ के लिए, तो 3px1 इस तरह से डिसाइड करेंगे।